दोस्तों, प्रभु श्री राम ने क्यों ली थी जल समाधि? चौंका देने वाला रहस्य। दोस्तों, अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लेकिन भगवान श्री राम ने जल समाधि क्यों ली? दरअसल यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो इस बीच कोई इस कक्ष में ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई इस बीच में आ जाता है तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और राम जी की बात चल रही थी, उसी समय ऋषि दुर्वासा अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी उनके कक्ष में कोई नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। लेकिन ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को देखकर हैरान रह गए और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि वह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए? लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से पूरी बात पूरी करके ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे और यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी ने यमराज से कहा कि आप अपने वचन अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। तब राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय की बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपसे दूर जाकर तो यूं ही भी मर जाऊंगा, इसलिए आप मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों और वचनों का पालन किया, इसलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दरअसल भगवान राम ने सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या में सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाग किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाग किया और उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला और शुद्धकीर्ति। उनका उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और उनके हृदय और अधूओं को छूता हुआ सिवा पानी सिर के ऊपर चढ़ गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।